रोमांच से भरपूर आज आइए आपको लेकर चलते हैं पंजाब के लुधियाना शहर, जहां की आबो हवा में बसा है मस्त मौला अंदाज और जिंदा दिली। रेसिंग ट्रैक हो या फिर स्टंट के कारनामे, अभी तक आप बाइक और कार को इस थ्रिलिंग स्पोर्ट में देखते आए हैं, जिनके स्टंट्स देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन अमेजिंग स्टंट्स के इस खेल में ये कलरफुल स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कि कोई भाई साहब इसे यहाँ पार्क करके स्टंट्स देखने में बिजी हैं। अच्छा, तो ये स्कूटर इन भाई साहब का है। चलिए आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं इन जनाब से। ये हैं लुधियाना के रहने वाले दिनेश वर्मा। अब अगर हाय हेलो हो गई हो तो जरा दिनेश के बारे में जान लीजिए, जो अभी तक आपने ना कभी देखा होगा और ना सुना होगा। दिनेश स्टंट्स करने में माहिर हैं, लेकिन वो बाइक या कार से नहीं बल्कि स्कूटर से हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। यही है दिनेश का सबसे अलग यानी एकदम हटके हुनर। दिनेश इंडिया के वन एंड ओनली स्टंटमैन हैं जो स्कूटर से स्टंट दिखाते हैं। मुझे काफी साल हो गए स्टंट राइडिंग करते हुए। इंडिया में अकेला एक स्कूटर स्टंट राइडर हूँ और ये मेरा एक पैशन भी है और अब मुझे अच्छा भी लगता है स्टंट राइडिंग करना। बाइक पे तो सर कर ही रहे हैं सब। माना कि आज स्कूटर यदा कदा ही दिखते हैं, लेकिन आज तक स्कूटर से स्टंट की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी और इस अकल्पित को सच कर दिया दिनेश ने। दिनेश के दिल में स्कूटर से स्टंट करने के अजीबोगरीब ख्याल ने दस्तक दी जब वो क्लास 10th में पढ़ रहे थे। जाहिर है कि जमाना स्टंट के लिए बाइक को देखने का आदि था, लेकिन दिनेश के दिमाग में लीक से हट के कुछ ऐसा कर दिखाने का जज्बा था जो देखने वालों के होश उड़ा दे। जब दिनेश ने स्कूटर से स्टंट करने की तैयारी शुरू की तो उनकी इस अनोखी अदा पर लोगों ने उनकी खूब हंसी उड़ाई। दिनेश की पीठ पीछे लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई, लेकिन दिनेश ने किसी की बात पर जरा भी गौर नहीं किया और लगे रहे अपनी धुन में। मैंने बहुत से नौजवानों को देखा है बाइक्स, साइकिल्स, कार्स पे स्टंट करते, पर ये ऐसा नौजवान है जिसको अकेले को स्कूटर पे स्टंट करना आता है। ये एशिया का ही नहीं और पूरे जहान वालों का दिल लूटने वाला है। जो वो स्कूटर पे करता है वो मेरे हिसाब से इंडिया में और कहीं नहीं कोई कर सकता। उसकी क्वालिटी जो उसके पास है वो और किसी के पास नहीं है। भैया के स्टंट और आगे बढ़ें और ऐसे स्टंट करें ताकि लोग इनके फैन हैं और मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तरह से देखा जाए तो बाइक के मुकाबले स्कूटर से स्टंट करना सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि खुद में काफी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि दोनों का बैलेंस उनके इंजन की पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्कूटर में इंजन एक साइड होता है, इसलिए उससे बैलेंस बनाना सच में कमाल होता है। अपने जुनून को पूरा करने के चक्कर में दिनेश कई बार चोट भी खा चुके हैं, लेकिन बिना हिम्मत हारे वो खुद से सीखते गए और आगे बढ़ते गए। दिनेश अपने अमेजिंग टैलेंट के चलते कई बार बड़े पर्दे पर भी नजर आ चुके हैं। नई तकनीक की रेस और यंग जनरेशन की डिमांड से आज स्कूटर भले ही आउट हो चुका हो,
लेकिन उसी स्कूटर ने दिनेश को सबसे अलग पहचान भी दिलाई है और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है दिनेश के कुछ हट के कर दिखाने के जज्बे को। सच में दिनेश आपका जज्बा और टैलेंट है, अजब भी गजब भी।